बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोडिंग विद क्लिक्स। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के इस कोर्स में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को, कि स्टैक क्या है, स्टैक में लीफो क्या होता है, फाइलो क्या होता है, स्टैक की रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं, स्टैक पे हम कौन कौन से डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, पुश क्या है, पॉप क्या है, ये टॉप पॉइंटर क्या होता है, स्टैक में किसी भी एलिमेंट को पुश करते वक्त हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है, इसी तरह स्टैक से किसी एलिमेंट को पॉप करते वक्त हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है, स्टैक में इज फुल क्या होता है, इज एम्प्टी क्या होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि स्टैक को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोड कैसे लिखते हैं, स्टैक में एलिमेंट्स को पुश कैसे करते हैं, स्टैक से एलिमेंट्स को पॉप कैसे करते हैं, स्टैक के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कैसे करवाते हैं, ये कैसे चेक करते हैं कि स्टैक एम्प्टी है, ये कैसे चेक करते हैं कि स्टैक फुल है। तो इन सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, इन कॉन्सेप्ट्स को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब जिसमें डेटा एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में स्टोर किया जाता है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर काम करता है लीफो या फाइलो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। लीफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फाइलो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन लास्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि एक स्टैक में जो एलिमेंट आप सबसे लास्ट में एंटर करेंगे वो सबसे पहले रिमूव होगा, जबकि फर्स्ट इन लास्ट आउट का मतलब है कि एक स्टैक में जो एलिमेंट आपने सबसे पहले एंटर किया था वो सबसे लास्ट में रिमूव होगा। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली काम करता है लीफो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जिसको आप फाइलो भी कह सकते हैं। स्टैक की रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं स्टैक ऑफ प्लेट्स, स्टैक ऑफ बुक्स। तो अगर आपने कोई भी न्यू प्लेट इंसर्ट करनी है या रखनी है तो स्टैक के टॉप पे इंसर्ट करेंगे। अगर कोई भी प्लेट उठानी है या रिमूव करनी है तो स्टैक के टॉप से करेंगे। सेम एज इट इज, अगर कोई भी न्यू बुक इंसर्ट करनी है तो स्टैक के टॉप पे करेंगे और अगर कोई भी बुक रिमूव करनी है तो स्टैक के टॉप से करेंगे। इस एग्जाम्पल से हमें पता चल रहा है कि अगर हमने स्टैक पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो एक एंड से ही परफॉर्म करेंगे और वो एंड है स्टैक का टॉप। इट मीन्स कि कोई भी बुक या प्लेट इंसर्ट और रिमूव करनी है तो स्टैक के टॉप से करेंगे। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल ये है कि स्टैक में जिस बुक को सबसे लास्ट में इंसर्ट किया था उसको सबसे पहले रिमूव करेंगे, जबकि फर्स्ट इन लास्ट आउट प्रिंसिपल ये है कि स्टैक में जिस बुक को सबसे पहले इंसर्ट किया था उसको सबसे लास्ट में रिमूव करेंगे। लेकिन अगर हमने स्टैक की सबसे नीचे वाली प्लेट या नीचे वाली बुक को उठाना है तो सबसे पहले टॉप की सारी प्लेट्स या सारी बुक्स को रिमूव करना होगा, क्योंकि स्टैक पे आप ऑपरेशन एक एंड से ही परफॉर्म कर सकते हैं और वो होता है स्टैक का टॉप। सेम एज इट इज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर काम करता है। तो नॉर्मली बुक या प्लेट उठाने और रखने को इंसर्ट और रिमूव कहेंगे, लेकिन स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में इसे पुश एंड पॉप कहते हैं। अगर हम स्टैक में किसी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो उसे पुश कहा जाता है और अगर स्टैक से किसी एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो उसे पॉप कहा जाता है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स में स्टैक को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक स्टैक है जिसमें डेटा एलिमेंट्स हैं। अगर इस स्टैक में किसी डेटा एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो उसे पुश कहते हैं और अगर इस स्टैक से किसी डेटा एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो उसे पॉप कहते हैं। और स्टैक फॉलो करती है लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट प्रिंसिपल को। और एक पॉइंटर होता है टॉप, जो स्टैक के टॉप एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो स्टैक के टॉप पे जो भी एलिमेंट होगा ये पॉइंटर उस एलिमेंट को पॉइंट करेगा और स्टैक को इनिशियलाइज करते वक्त हम इस पॉइंटर की वैल्यू -1 सेट करते हैं ताकि हम ये चेक कर सकें कि अगर टॉप पॉइंटर की वैल्यू इक्वल टू है -1 के तो इट मीन्स कि स्टैक एम्प्टी है। तो एक स्टैक पे हम 5 डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, पुश, पॉप, पीक जिसे आप टॉप भी कह सकते हैं, इज फुल और इज एम्प्टी। तो इन सब ऑपरेशंस को आप 1 by 1 डिस्कस करते हैं। पुश ऑपरेशन में हम एक स्टैक में न्यू एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं। अब क्योंकि एक स्टैक में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करने का एक ही एंड होता है टॉप ऑफ द स्टैक, तो जो भी न्यू एलिमेंट एंटर करेंगे वो स्टैक के टॉप पे ही इंसर्ट होगा। तो अभी ये एक एम्प्टी स्टैक है और टॉप पॉइंटर की वैल्यू -1 है क्योंकि अभी ये स्टैक एम्प्टी है। तो अगर हमने स्टैक में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो स्टैक में किसी भी एलिमेंट को पुश करने से पहले कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। स्टेप 1, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या स्टैक फुल है, क्योंकि अगर स्टैक फुल है तो डेफिनेटली हम इसमें कोई भी एलिमेंट पुश नहीं कर सकते। इस पर्पस के लिए हम स्टैक पे इस फुल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिसमें हम ये चेक करते हैं कि क्या स्टैक फुल है। अगर स्टैक फुल है तो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देते हैं स्टैक इज फुल और प्रोग्राम से एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन अगर स्टैक फुल नहीं है तो इट मीन्स कि हम स्टैक में एलिमेंट को पुश करेंगे, लेकिन एलिमेंट को पुश करने से पहले टॉप पॉइंटर की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट करते हैं, देन स्टैक में एलिमेंट पुश करते हैं। अभी टॉप पॉइंटर की वैल्यू -1 है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो टॉप पॉइंटर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 0 पोजीशन को।
तो इस पोजीशन पे एक एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। अब क्योंकि हमने स्टैक में एक एलिमेंट को इंसर्ट किया है तो इसे कहा जाता है पुश ऑपरेशन। इसी तरह एक और एलिमेंट स्टैक में पुश करेंगे, लेकिन हर बार स्टैक में न्यू एलिमेंट पुश करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या स्टैक फुल है। अगर स्टैक फुल नहीं है तो टॉप पॉइंटर की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट करते हैं, देन एलिमेंट को पुश करते हैं। तो पहले टॉप पॉइंटर की वैल्यू 0 थी, अब इसमें 1 इंक्रीमेंट करेंगे तो टॉप पॉइंटर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा है पोजीशन 1 को, तो अब इस पोजीशन पे न्यू एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, देन एक और एलिमेंट इस स्टैक में पुश करते हैं, लेकिन पहले चेक करेंगे कि क्या स्टैक फुल है। अगर स्टैक फुल नहीं है तो टॉप पॉइंटर की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कब स्टैक फुल है और कब स्टैक फुल नहीं है? तो उसके लिए हम सबसे पहले तो प्रोग्राम में स्टैक का साइज डिक्लेयर कर देते हैं कि एक स्टैक में इतने एलिमेंट्स पुश कर सकते हैं, और फिर हर बार एलिमेंट को पुश करने से पहले चेक करते हैं कि अगर टॉप पॉइंटर की वैल्यू इक्वल टू है स्टैक का साइज माइनस 1 के, तो इट मीन्स कि स्टैक फुल है। साइज माइनस 1 इसलिए कि अगर आपने स्टैक का साइज डिक्लेयर किया है 10, कि एक स्टैक में 10 एलिमेंट्स पुश कर सकते हैं, तो स्टैक के फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन 0 होगी और लास्ट एलिमेंट की पोजीशन 9 होगी। तो साइज है 10, 10 माइनस 1 9। अगर टॉप पॉइंटर की वैल्यू इक्वल टू है 9 के, इट मींस कि स्टैक फुल है। तो टॉप पॉइंटर की वैल्यू पहले 1 थी, इंक्रीमेंट के बाद 2 हो जाएगी, और अब टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा है पोजीशन 2 को। तो अब इस पोजीशन पे न्यू एलिमेंट पुश करेंगे, और आप देख सकते हैं कि स्टैक में जो भी न्यू एलिमेंट पुश कर रहे हैं वो स्टैक के टॉप पे प्लेस हो रहा है। तो हमने ये तो देख लिया कि स्टैक पे पुश ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट अब ये देखते हैं कि स्टैक पे पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कोड कैसे लिखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को दो तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यूजिंग अरे एंड यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप स्टैक को अरे के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं या लिंक्ड लिस्ट के थ्रू। लेकिन अभी हमने क्योंकि अरे डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी किया है, लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को हमने अभी स्टडी नहीं किया। तो अभी हम स्टैक को इंप्लीमेंट करते हैं अरे डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू। अब हमने क्योंकि स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए C++ लैंग्वेज में कोड लिखना है, तो सबसे पहले C++ हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। देन मेन फंक्शन स्टार्ट होगा इंट मेन। तो सबसे पहले स्टैक को डिक्लेयर करेंगे। अब क्योंकि हम स्टैक को अरे डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले एंटर करेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप एंटर करने का मतलब है कि स्टैक में जो एलिमेंट्स हम पुश करेंगे उनकी डेटा टाइप क्या होगी। तो डेटा टाइप में एंटर किया है इंट। नेक्स्ट स्टैक का नेम। स्टैक का नेम आप कोई भी रख सकते हैं, मैंने स्टैक का नेम सिंपली स्टैक ही रखा है। नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में एंटर करेंगे स्टैक का साइज, कि जो स्टैक हम क्रिएट कर रहे हैं इसका साइज क्या होगा, इस स्टैक में हम कितने एलिमेंट्स पुश कर सकते हैं। मैंने स्टैक का साइज रखा है 5, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग स्टैक का साइज डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमने एक स्टैक को डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट अब आपको पता है कि हम स्टैक में एक टॉप पॉइंटर क्रिएट करते हैं जो स्टैक के टॉप एलिमेंट को पॉइंट करता है, और स्टैक को डिक्लेयर करते वक्त हम टॉप पॉइंटर की वैल्यू -1 सेट करते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नेम है टॉप, और जिसकी वैल्यू हम सेट करेंगे -1। तो टॉप वेरिएबल स्टैक के टॉप एलिमेंट को पॉइंट करेगा, लेकिन अभी क्योंकि स्टैक एम्प्टी है तो टॉप वेरिएबल की वैल्यू है -1। टॉप है तो एक वेरिएबल, लेकिन क्योंकि ये एक पॉइंटर का काम करता है, स्टैक के टॉप वेरिएबल को पॉइंट करता है, इसलिए हम इसे टॉप पॉइंटर कहते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं कि टॉप वेरिएबल की डेटा टाइप भी इंट है और स्टैक की डेटा टाइप भी इंट है। तो अगर इन दोनों की डेटा टाइप सेम है, तो टॉप वेरिएबल को अलग लाइन में डिक्लेयर करने की बजाय कॉमा से सेपरेट करते हुए आप एक लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमने स्टैक में एलिमेंट्स को पुश करना है। इस पर्पस के लिए हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे, ताकि जब भी हमने स्टैक में एलिमेंट्स को पुश करना हो, हम उस फंक्शन को कॉल करें और एलिमेंट्स को पुश कर लें। अब आपको पता है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम क्रिएट करते हैं मेन फंक्शन से पहले और कॉल करते हैं मेन फंक्शन में। तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एंटर करते हैं फंक्शन की रिटर्न टाइप। तो यहाँ एंटर करेंगे void। void एंटर करने का मतलब है कि जो फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं, ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, जस्ट एलिमेंट्स को स्टैक में पुश करेगा। देन एंटर करेंगे फंक्शन का नेम। आप फंक्शन का नेम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने फंक्शन का नेम पुश रखा है, क्योंकि हम स्टैक में एलिमेंट्स को पुश करने के लिए फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। फंक्शन नेम के बाद पैरेंथेसिस। अगर हमने फंक्शन में कोई भी वेरिएबल यूज़ करना है, तो उसको हम डिक्लेयर करते हैं फंक्शन नेम के बाद पैरेंथेसिस में। तो स्टैक में वेरिएबल को पुश करने से पहले उसको टेम्परेरीली हम किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पैरेंथेसिस में एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट एक्स, और पैरेंथेसिस में हम जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं उन्हें कहा जाता है फंक्शन के पैरामीटर्स। तो एक्स यहाँ पे पुश फंक्शन का पैरामीटर है। देन कर्ली ब्रेसेस में इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अब आपको पता है कि स्टैक में किसी भी एलिमेंट को पुश करने से पहले हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या स्टैक फुल है, क्योंकि अगर स्टैक फुल है तो उसमें हम कोई भी एलिमेंट पुश नहीं कर सकते।
तो इस पर्पस के लिए हम स्टैक पे इस फुल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि स्टैक फुल है कि नहीं। तो अब हम स्टैक पे इस फुल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि स्टैक फुल है कि नहीं? तो आपको पता है कि अगर टॉप पॉइंटर की वैल्यू इक्वल टू है स्टैक का साइज माइनस वन के, तो इट मीन्स कि स्टैक फुल है, क्योंकि यहाँ पे स्टैक का साइज है 5। इट मीन्स कि हम इस स्टैक में 5 एलिमेंट्स को पुश कर सकते हैं। अभी ये स्टैक एम्प्टी है तो टॉप पॉइंटर की वैल्यू है -1। जब हम इस स्टैक में फर्स्ट एलिमेंट को पुश करेंगे तो टॉप पॉइंटर की वैल्यू होगी 0। सेकंड एलिमेंट को पुश करेंगे तो टॉप पॉइंटर की वैल्यू होगी 1। थर्ड एलिमेंट को पुश करेंगे तो टॉप पॉइंटर की वैल्यू होगी 2। फोर्थ एलिमेंट को पुश करेंगे तो टॉप पॉइंटर की वैल्यू होगी 3। और जब फिफ्थ एलिमेंट को यानी लास्ट एलिमेंट को पुश करेंगे तो टॉप पॉइंटर की वैल्यू होगी 4। स्टैक का साइज है 5 तो 5 माइनस 1 4। जब टॉप पॉइंटर की वैल्यू इक्वल टू होगी 4 के, तो इट मीन्स के स्टैक फुल है। अब हम इसमें कोई एलिमेंट पुश नहीं कर सकते। तो ये चेक करने के लिए कि स्टैक फुल है कि नहीं, यहाँ पे कंडीशन एंटर करेंगे इफ टॉप इक्वल टू स्टैक का साइज -1 दैट इज 4। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि स्टैक का जो साइज आपने डिक्लेयर किया है, इसको आप अलग से किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दें, जैसे n इक्वल है 5 के, और यहाँ पे कंडीशन में 4 एंटर करने की बजाय एंटर करें n-1, क्योंकि n में स्टैक का साइज स्टोर किया हुआ है। तो इसको आप दोनों तरह से कर सकते हैं कि इफ टॉप इक्वल टू 4 या इफ टॉप इक्वल टू n-1। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे नोटिस करें कि n वेरिएबल को और टॉप पॉइंटर को हमने डिक्लेयर किया हुआ है मेन फंक्शन में, जबकि इनकी वैल्यूज को हम यूज कर रहे हैं मेन फंक्शन से पहले। तो अगर हम किसी वेरिएबल को यूज पहले कर रहे हैं लेकिन डिक्लेयर बाद में कर रहे हैं, तो प्रोग्राम एरर देगा। इट मीन्स कि हम n वेरिएबल को और टॉप पॉइंटर को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करेंगे पुश फंक्शन से पहले, और स्टैक को भी प्रोग्राम के स्टार्ट में ही डिक्लेयर करेंगे। तो अगर टॉप पॉइंटर की वैल्यू इक्वल टू है n-1 के, तो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देंगे स्टैक इज फुल। अब हम स्टैक में कोई एलिमेंट पुश नहीं कर सकते, लेकिन अगर टॉप पॉइंटर की वैल्यू n-1 के इक्वल टू नहीं है, तो इट मींस कि हम स्टैक में एलिमेंट्स पुश करेंगे। लेकिन स्टैक में एलिमेंट पुश करने से पहले आपको पता है कि हम टॉप पॉइंटर की वैल्यू में 1 ऐड करते हैं, तो यहाँ पे एंटर करेंगे एल्स कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो टॉप पॉइंटर की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट हो। टॉप प्लस प्लस का मतलब है कि हम टॉप पॉइंटर की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो टॉप पॉइंटर की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट करने के बाद स्टैक में एलिमेंट पुश करेंगे। तो उसके लिए कोड एंटर करेंगे स्टैक का नेम दैट इज स्टैक टॉप, क्योंकि हमने स्टैक में एलिमेंट उस प्लेस पे पुश करना है जिस प्लेस को टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। देन एक्स, क्योंकि स्टैक में हम वो एलिमेंट पुश करेंगे जो एक्स वेरिएबल में स्टोर होगा, और एक्स वेरिएबल की वैल्यू हम पास करेंगे फंक्शन को कॉल करते वक्त। हो सकता है कि आप सोच रहे हों कि एल्स स्टेटमेंट्स को तो कर्ली ब्रेसेस में एंटर किया है, लेकिन इफ स्टेटमेंट को कर्ली ब्रेसेस में एंटर क्यों नहीं किया? नो डाउट, हम इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस में ही एंटर करते हैं, लेकिन अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो उसको हम विदाउट कर्ली ब्रेसेस भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो उन्हें हम कर्ली ब्रेसेस में ही एंटर करेंगे। लेकिन अगर हम सिंगल स्टेटमेंट को भी कर्ली ब्रेसेस में एंटर करते हैं, तो तब भी कोई मसला नहीं है, प्रोग्राम एरर नहीं देगा। तो पुश फंक्शन को क्रिएट तो कर लिया है। नेक्स्ट, अब स्टैक में एलिमेंट्स को पुश करने के लिए मेन फंक्शन में जाएंगे और पुश फंक्शन को कॉल करेंगे। तो पुश फंक्शन को कॉल करने के लिए एंटर करेंगे फंक्शन का नेम दैट इज पुश पैरेंथेसिस। तो अब इस पैरामीटर की वैल्यू हम पास करेंगे फंक्शन को कॉल करते वक्त पैरेंथेसिस में। तो जो भी एलिमेंट स्टैक में पुश करवाना है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। इसी तरह अगर स्टैक में एक और एलिमेंट पुश करना है, तो अगेन इस फंक्शन को कॉल करेंगे और पैरेंथेसिस में पैरामीटर की वैल्यू पास करेंगे। तो मैंने 5 टाइम्स इस फंक्शन को कॉल करके इस स्टैक में 5 एलिमेंट्स पुश किए हैं। लेकिन अगर हम एक और बार स्टैक में एलिमेंट पुश करें, तो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा स्टैक इज फुल। तो इस तरह से पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कोड लिखते हैं। तो एक स्टैक में जो एलिमेंट्स हमने पुश किए हैं, अगर हम उन एलिमेंट्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम एक डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जब भी हमने स्टैक के एलिमेंट्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना हो, हम उस फंक्शन को कॉल करें और स्टैक के एलिमेंट्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा लें। तो अगेन सबसे पहले एंटर करेंगे फंक्शन की रिटर्न टाइप void, फंक्शन का नेम डिस्प्ले पैरेंथेसिस। इस फंक्शन की रिटर्न टाइप भी void इसलिए रखी है क्योंकि ये फंक्शन भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, जस्ट स्टैक की वैल्यूज को स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा। नेक्स्ट, इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अब देखें, यहाँ भी दो कंडीशंस हैं। देखें, एलिमेंट्स को स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए ज़रूरी है कि स्टैक में एलिमेंट्स हों, स्टैक एम्प्टी ना हो। तो अगर स्टैक में एलिमेंट्स हैं, तो हम उन एलिमेंट्स को स्क्रीन पे प्रिंट करवा देंगे, लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी है, तो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देंगे स्टैक इज एम्प्टी। तो यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन एंटर करेंगे इफ टॉप इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कि अगर टॉप पॉइंटर की वैल्यू ग्रेटर देन है या इक्वल है 0 के, तो इट मीन्स कि स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम प्रिंट करवा सकते हैं। अगर टॉप पॉइंटर की वैल्यू इक्वल टू है 0 के, तो इट मीन्स कि स्टैक में एक ही एलिमेंट होगा, क्योंकि स्टैक में जब हम फर्स्ट एलिमेंट पुश करते हैं तो टॉप पॉइंटर की वैल्यू होती है 0। अगर टॉप पॉइंटर की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से,
तो इट मीन्स कि स्टैक में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे। तो अगर टॉप पॉइंटर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है जीरो के, तो इट मीन्स हम स्टैक के एलिमेंट्स को स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे। तो स्टैक के एलिमेंट्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने से पहले यहाँ पे टेक्स्ट एंटर करते हैं, सी आउट स्टैक एलिमेंट्स आर। स्टैक के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर लूप का। तो फॉर लूप में एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं आई, जो स्टैक की वैल्यूज़ को स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होगा, इंट आई इक्वल टू टॉप। अब यहाँ पे हमने आई वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है टॉप पॉइंटर से, कि टॉप पॉइंटर की जो भी वैल्यू होगी वो हमने असाइन कर दी है आई वेरिएबल को, क्योंकि आपको पता है कि टॉप पॉइंटर पॉइंट करता है स्टैक के टॉप एलिमेंट को, और स्टैक के एलिमेंट्स को स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए हम टॉप पॉइंटर की वैल्यू को आगे पीछे नहीं कर सकते। तो इसलिए टॉप पॉइंटर की जो भी वैल्यू है वो हमने असाइन कर दी है आई वेरिएबल को। देन कंडीशन है आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक आई वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है जीरो के, क्योंकि स्टैक में जो फर्स्ट एलिमेंट पुश करते हैं उसकी पोजीशन जीरो होती है। तो स्टैक के एलिमेंट्स को स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे एंटर करेंगे सी आउट स्टैक स्क्वेयर ब्रैकेट आई, क्योंकि स्टैक एलिमेंट्स की पोजीशन के लिए अब हमने यहाँ पे आई वेरिएबल को यूज किया है। और अगर आप चाहते हैं कि एक एलिमेंट स्क्रीन पे प्रिंट होने के बाद सेकंड एलिमेंट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, तो यहाँ पे यूज करेंगे एंडल ऑपरेटर का। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर लूप की भी सिंगल स्टेटमेंट है, तो इसलिए हमने इसको कर्ली ब्रेसेस में एंटर नहीं किया। लेकिन अगर टॉप पॉइंटर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो नहीं है, तो हो सकता है कि टॉप पॉइंटर की वैल्यू इक्वल टू हो माइनस वन के, इट मीन्स कि स्टैक एम्प्टी है। तो यहाँ पे एंटर करेंगे एल्स सी आउट स्टैक इज एम्प्टी। तो ये जो फॉर लूप हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, ये किस तरह से वर्क करेगा? देखें, टॉप पॉइंटर पॉइंट करता है स्टैक के टॉप एलिमेंट को, और इस स्टैक में हमने फाइव एलिमेंट्स को पुश किया है, तो टॉप पॉइंटर की वैल्यू होगी फोर। तो इट मीन्स कि हमने आई को इनिशियलाइज किया है फोर से। कंडीशन चेक होगी आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। कंडीशन ट्रू है तो स्टैक की पोजीशन फोर पे जो भी एलिमेंट है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, देन नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएंगे। इसके बाद आई की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू थी पहले फोर, अब आई की वैल्यू थ्री हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। कंडीशन ट्रू है तो स्टैक में पोजीशन थ्री पे जो भी एलिमेंट स्टोर है वो एलिमेंट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, देन नेक्स्ट लाइन में मूव करेंगे। अगेन आई की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू टू हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। कंडीशन ट्रू है तो स्टैक में पोजीशन टू पे जो भी एलिमेंट स्टोर है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे, अगेन आई की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू वन हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। कंडीशन ट्रू है तो पोजीशन वन का एलिमेंट स्क्रीन पे प्रिंट होगा। इसके बाद अगेन नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे, आई की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। कंडीशन ट्रू है तो पोजीशन जीरो का एलिमेंट स्क्रीन पे प्रिंट होगा। देन अगेन नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे, अगेन आई की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा, तो आई की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इस बार कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। तो डिस्प्ले फंक्शन को क्रिएट तो कर दी है, लेकिन अब एलिमेंट्स को स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए इसको कॉल करेंगे मेन फंक्शन में। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे स्टैक के एलिमेंट्स प्रिंट हो गए हैं, और सबसे पहले स्टैक का टॉप एलिमेंट प्रिंट हुआ है। तो इस तरह से आप डिस्प्ले फंक्शन को क्रिएट करके एक स्टैक के सारे एलिमेंट्स को स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन में हम एक स्टैक से एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं। अब क्योंकि स्टैक से किसी भी एलिमेंट को रिमूव करने का एक ही एंड होता है टॉप ऑफ द स्टैक, तो अगर हम एक स्टैक से किसी भी एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो स्टैक का टॉप एलिमेंट ही रिमूव होगा। अभी हमने स्टैक पे पुश ऑपरेशन परफॉर्म करके स्टैक में कुछ एलिमेंट्स को पुश किया है, तो नेक्स्ट अब हम इस स्टैक से एलिमेंट्स को पॉप करेंगे। पुश ऑपरेशन की तरह पॉप ऑपरेशन में भी स्टैक से किसी भी एलिमेंट को पॉप करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो स्टेप वन है कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या स्टैक एम्प्टी है, क्योंकि अगर स्टैक एम्प्टी है तो डेफिनेटली हम एक स्टैक पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक स्टैक में एलिमेंट्स ही नहीं है, स्टैक एम्प्टी है, तो हम किस एलिमेंट को पॉप करेंगे? तो इस पर्पस के लिए हम स्टैक पे इस एम्प्टी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि क्या स्टैक एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देते हैं कि स्टैक इज एम्प्टी, और प्रोग्राम से एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो इट मीन्स कि हम स्टैक पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और स्टैक के टॉप मोस्ट डेटा एलिमेंट को रिमूव करेंगे। स्टैक के टॉप मोस्ट डेटा एलिमेंट को रिमूव करने के बाद स्टेप फोर में टॉप पॉइंटर की वैल्यू में डिक्रीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या स्टैक एम्प्टी है। अभी स्टैक एम्प्टी नहीं है तो स्टैक के टॉप एलिमेंट को पॉप करेंगे। तो अभी हमने स्टैक से एक एलिमेंट को पॉप किया है, इट मींस कि हमने स्टैक पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया है। स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉप करने के बाद टॉप पॉइंटर की वैल्यू में वन डिक्रीमेंट करेंगे। तो पहले टॉप पॉइंटर की वैल्यू थी टू, डिक्रीमेंट के बाद टॉप पॉइंटर की वैल्यू वन हो जाएगी। तो पहले स्टैक का टॉप एलिमेंट थ्री था, अब स्टैक का टॉप एलिमेंट है टू। देन अगेन एक एलिमेंट को पॉप करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे
करेंगे कि क्या स्टैक एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉप करेंगे। एलिमेंट को पॉप करने के बाद टॉप पॉइंटर की वैल्यू में 1 डिक्रीमेंट करेंगे। तो पहले टॉप पॉइंटर की वैल्यू थी 1, डिक्रीमेंट के बाद टॉप पॉइंटर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पहले स्टैक का टॉप एलिमेंट था 2, अब स्टैक का टॉप एलिमेंट है 1 और टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा है स्टैक के टॉप एलिमेंट को। तो अगेन एक और एलिमेंट को स्टैक से पॉप करते हैं, लेकिन हर बार स्टैक के एलिमेंट को पॉप करने के लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या स्टैक एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉप करेंगे। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कब स्टैक एम्प्टी है और कब स्टैक एम्प्टी नहीं है? ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्टैक को डिक्लेयर करते वक्त हम टॉप पॉइंटर की वैल्यू सेट करते हैं -1, ताकि हम ये चेक कर सकें कि अगर टॉप पॉइंटर की वैल्यू इक्वल टू है -1 के, तो इट मीन्स के स्टैक एम्प्टी है। लेकिन अभी क्योंकि टॉप पॉइंटर की वैल्यू 0 है, -1 नहीं है, तो इट मीन्स कि हम स्टैक के एलिमेंट को पॉप कर सकते हैं। तो स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉप करेंगे। अब स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट है 1, तो 1 को पॉप करेंगे। 1 को पॉप करने के बाद टॉप पॉइंटर की वैल्यू में 1 डिक्रीमेंट करेंगे। तो पहले टॉप पॉइंटर की वैल्यू थी 0, डिक्रीमेंट के बाद टॉप पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी -1, तो अब टॉप पॉइंटर की वैल्यू है -1। इट मीन्स के स्टैक एम्प्टी है और अब हम स्टैक पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इस तरह से एक स्टैक पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और स्टैक के एलिमेंट्स को पॉप करते हैं। तो ये तो देख लिया कि पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म कैसे करते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं कि पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कोड कैसे लिखेंगे। तो अगर हमने स्टैक के एलिमेंट को पॉप करना है, तो उसके लिए भी हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे, ताकि जब भी हमने स्टैक के एलिमेंट्स को पॉप करना हो तो हम पॉप फंक्शन को कॉल करें और स्टैक के एलिमेंट्स को पॉप कर लें। तो पॉप फंक्शन को क्रिएट करने के लिए अगेन एंटर करेंगे फंक्शन की रिटर्न टाइप दैट इज वॉइड, क्योंकि यह फंक्शन भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, जस्ट स्टैक के एलिमेंट को पॉप करेगा और उस पॉप किए हुए एलिमेंट को स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। तो पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए भी हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या स्टैक एम्प्टी है, क्योंकि अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम स्टैक के एलिमेंट्स को पॉप नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैक में कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। तो ये चेक करने के लिए कि क्या स्टैक एम्प्टी है, हम स्टैक पे इस एम्प्टी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि क्या स्टैक एम्प्टी है। तो अब हम स्टैक पे इस एम्प्टी ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं? आपको पता है कि अगर टॉप पॉइंटर की वैल्यू इक्वल टू है -1 के, तो इट मीन्स कि स्टैक एम्प्टी है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम स्टैक को डिक्लेयर करते हैं और स्टैक एम्प्टी होती है, तो उस वक्त हम टॉप पॉइंटर की वैल्यू सेट करते हैं -1। तो यहाँ पे कंडीशन एंटर करेंगे इफ टॉप इक्वल टू -1, तो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देंगे स्टैक इज एम्प्टी। लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो स्टैक के एलिमेंट को पॉप करेंगे। तो स्टैक के एलिमेंट को पॉप करने से पहले एक टेक्स्ट डिस्प्ले करवा देते हैं, द पॉप्ड एलिमेंट इज। अब आपको पता है कि जब भी हम स्टैक से किसी एलिमेंट को पॉप करेंगे तो स्टैक का टॉप एलिमेंट पॉप होगा, जिसको टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे एंटर करेंगे स्टैक टॉप, तो स्टैक के टॉप पे जो भी एलिमेंट होगा, यानी टॉप पॉइंटर जिस भी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये एलिमेंट डिस्प्ले क्यों हो रहा है, हमने तो इसे पॉप किया है, रिमूव किया है स्टैक से। तो स्टैक के जिस भी एलिमेंट को हम पॉप करते हैं, उसको पॉप करते वक्त हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देते हैं कि इस एलिमेंट को हमने पॉप किया है, और स्टैक के एलिमेंट को पॉप करने के बाद टॉप पॉइंटर की वैल्यू में डिक्रीमेंट करते हैं कि टॉप पॉइंटर जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था वो स्टैक से पॉप हो गया है, और अब टॉप पॉइंटर पॉइंट करेगा उससे पिछले एलिमेंट को, और वो एलिमेंट अब स्टैक का टॉप एलिमेंट होगा। और आप देख सकते हैं कि पुश फंक्शन में तो हमने एक पैरामीटर डिक्लेयर किया था, लेकिन पॉप फंक्शन में हमने कोई पैरामीटर डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि पुश फंक्शन में तो एलिमेंट्स को स्टैक में पुश करना था, इसलिए पैरामीटर को डिक्लेयर करना जरूरी था। लेकिन पॉप फंक्शन में हमने स्टैक से एलिमेंट्स को पॉप करना है, तो किसी भी पैरामीटर को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। तो पॉप फंक्शन को क्रिएट तो कर दिया, नेक्स्ट अब स्टैक से एलिमेंट्स को पॉप करने के लिए इस फंक्शन को कॉल करेंगे मेन फंक्शन में। तो पॉप फंक्शन को कॉल करने के लिए एंटर करेंगे फंक्शन का नेम दैट इज पॉप पैरेंथेसिस। अब क्योंकि हमने पॉप फंक्शन में किसी पैरामीटर को डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो फंक्शन को कॉल करते वक्त पैरेंथेसिस में किसी भी पैरामीटर की वैल्यू पास नहीं करेंगे। अभी हमने स्टैक के एक एलिमेंट को पॉप किया है, तो अब प्रोग्राम को रन करें तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ है द पॉप्ड एलिमेंट इज। इसी तरह अगर स्टैक के एक और एलिमेंट को पॉप करना है, तो अगेन पॉप फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सेकंड पॉप्ड एलिमेंट नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो, तो यहाँ पे एंडल ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो अगेन प्रोग्राम को सेव करने के बाद रन करते हैं, तो अब स्टैक का सेकंड पॉप्ड एलिमेंट डिस्प्ले हो गया है। तो अब इस स्टैक के सारे एलिमेंट्स को पॉप करते हैं। तो स्टैक के सारे एलिमेंट्स को पॉप करने के लिए हमें पॉप फंक्शन को 5 टाइम्स कॉल करना होगा। अब अगर प्रोग्राम को रन करें तो इस स्टैक के सारे पॉप्ड एलिमेंट्स स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गए हैं। तो अब अगर एक और बार पॉप फंक्शन को कॉल करें तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा स्टैक इज एम्प्टी। जब हमने फर्स्ट टाइम पॉप फंक्शन को कॉल किया तो टॉप पॉइंटर की वैल्यू थी 4 और स्टैक का टॉप एलिमेंट था 5। जब हमने सेकंड टाइम पॉप फंक्शन को कॉल किया तो टॉप पॉइंटर की वैल्यू थी 3
और स्टैक का टॉप एलिमेंट था 4। जब हमने थर्ड टाइम पॉप फंक्शन को कॉल किया तो टॉप पॉइंटर की वैल्यू थी 2 और स्टैक का टॉप एलिमेंट था 3। जब हमने फोर्थ टाइम पॉप फंक्शन को कॉल किया तो टॉप पॉइंटर की वैल्यू थी 1 और स्टैक का टॉप एलिमेंट था 2। जब हमने फिफ्थ टाइम पॉप फंक्शन को कॉल किया तो टॉप पॉइंटर की वैल्यू थी 0 और स्टैक का टॉप एलिमेंट था 1। लेकिन जब हमने सिक्स्थ टाइम पॉप फंक्शन को कॉल किया तो टॉप पॉइंटर की वैल्यू थी -1 और स्टैक एम्प्टी था, तो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया स्टैक इज एम्प्टी। तो इस तरह से हम स्टैक पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और स्टैक के एलिमेंट्स को पॉप करते हैं। अब हमने स्टैक के एलिमेंट्स को पॉप तो कर दिया है, लेकिन अगर आप दोबारा डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करें तो डिस्प्ले फंक्शन स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा स्टैक इज एम्प्टी, इसलिए कोई भी एलिमेंट स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हुआ। नेक्स्ट है पीक ऑपरेशन। पीक ऑपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है स्टैक का, जिसमें हम स्टैक के टॉप एलिमेंट को एक्सेस करते हैं स्टैक से रिमूव किए बगैर। तो आइए अब देखते हैं कि पीक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कोड कैसे लिखेंगे। तो पीक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए भी एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करते हैं, ताकि किसी भी पॉइंट पे अगर हमने स्टैक के टॉप एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम उस फंक्शन को कॉल करें और स्टैक के टॉप एलिमेंट को एक्सेस कर लें। तो सबसे पहले एंटर करेंगे फंक्शन की रिटर्न टाइप इंट। अब यहाँ पे इंट क्यों रखा है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देन फंक्शन का नेम पीक पैरेंथेसिस इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अब ये फंक्शन क्या करेगा, स्टैक के टॉप एलिमेंट को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे एंटर करेंगे रिटर्न कीवर्ड, स्टैक का नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स टॉप। तो स्टैक के टॉप पे जो भी एलिमेंट होगा ये फंक्शन उस एलिमेंट को रिटर्न करेगा। अब यहाँ फंक्शन की डेटा टाइप में इंट इसलिए रखा है क्योंकि ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस स्टैक में इंटीजर वैल्यू स्टोर है। तो अब पीक फंक्शन को क्रिएट तो कर दिया, नेक्स्ट अब इसे कॉल करेंगे मेन फंक्शन में। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए एंटर करेंगे फंक्शन का नेम पैरेंथेसिस। अब ये फंक्शन हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उस वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट वाई। तो पीक फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो वाई वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि पीक फंक्शन ने क्या वैल्यू रिटर्न की है, यानी स्टैक का टॉप एलिमेंट कौन सा है, तो उसके लिए हम y वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवा देंगे। अब y वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवाने से पहले यहाँ पे टेक्स्ट एंटर करते हैं, सी आउट टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक इज y। अब अगर प्रोग्राम को रन करें तो स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ है टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक इज 5। तो इस तरह से पीक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कोड लिखते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पुश क्या है, पॉप क्या है, टॉप पॉइंटर क्या होता है, कि स्टैक में पुश ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, पॉप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या स्टैक फुल है, तो इट मींस कि हम स्टैक पे इस फुल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या स्टैक एम्प्टी है, तो इट मींस कि हम स्टैक पे इस एम्प्टी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम स्टैक के टॉप एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं स्टैक से रिमूव किए बगैर, तो इट मींस कि हम पीक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और इन सब ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, स्टैक में एलिमेंट्स को पुश करने के लिए, स्टैक के एलिमेंट्स को पॉप करने के लिए, स्टैक के एलिमेंट्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए, स्टैक के टॉप एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि क्या स्टैक एम्प्टी है, ये चेक करने के लिए कि क्या स्टैक फुल है, कोड कैसे लिखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।